शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत जी से बात करते हैं। सर, मनीष सिसोदिया को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हूँ। हमारी आप पार्टी है, हमारी इंडिया अलायंस की पार्टी है। आदरणीय केजरीवाल जी अब भी अंदर है, वो भी एक दर्द है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्य दोनों भी अंदर थे। चलो उप मुख्यमंत्री तो आगे, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर का क्या करने का, वो तो राजा से भी आ गया है ना, वो तो लाडला राजा। दिल्ली की जनता को भी ये देखना चाहिए कि भैया हम यही तो लोकसभा के चुनाव के लिए दोनों को अंदर रखे लोकसभा लड़े, अगर दोनों बाहर रहते तो क्या चुनाव छह महीने बाद होने, उससे पहले मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना ये एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। वो राज्य आएगा, लेकिन जिस राज्य को राज्य करने नहीं देते, इसके लिए तो बताया ना वो नागोबा रखता है शिव की पिंडी पे बिछवा रहता है, वैसे वो बिछवा है उधर कौन गवर्नर। ओके, और सर एक आखिरी सवाल, वक्त संशोधन बिल जब आया लोकसभा में, आपकी पार्टी का कोई सांसद सदन में मौजूद नहीं था, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप लोग कहाँ थे और क्यों नहीं थे सदन? अच्छा हो गया आपने ये सवाल उठाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गलत प्रेमी के सुधार के लिए आपने लोगों को बताने के लिए। जी जी, एक तो हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सदस्य हैं और लड़ाई से भागने वाले नहीं। जिसने सवाल उठाया वो खुद ही इसी हफ्ते में स्टार्ट क्वेश्चन में एबसेंट था, वो शिवसेना पार्टी का जो नेता है वो खुद एबसेंट था, वो सवाल पूछता है तो उसकी इंटीग्रिटी देख लो। दूसरी बात ऐसी है कि आज का भी आप बिजनेस देखना, आज के बिजनेस में 5 या 6 बिल है, सभी इंट्रोडक्शन के बिल है। आपका अनुभव आप खुद बताइए, पिछले 10 वर्ष में बिल के इंट्रोडक्शन में कभी डिबेट हुआ? आप बताओ ना, ये बिल था इसका डिबेट हुआ था। तो कल एक राजनीतिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर वो बिल पर जानबूझकर डिस्कशन किया। आप लोग क्यों नहीं, नहीं तो वही तो बता रहा हूँ भाई, आगे की इतनी जल्दबाजी क्यों? आप उनका लेके आए हो? नहीं नहीं, 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 स्पॉन्सरशिप मत देना। नहीं नहीं नहीं, हमें बस भागते नहीं हम। आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जो हमारी पार्टी के मुखिया है, प्रमुख है, पक्ष प्रमुख है, वो 3 दिन से दिल्ली में थे, आप जानते हो। मैं पार्टी लीडर करके अनिल देसाई, वो संजय जी राउत, वो हम तीनों उनके साथ में पूरे दिन साथ में रहे और कभी भी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पर डिबेट नहीं होता हुआ। बताओ ना, मैंने पहले सवाल का पहले भी जवाब दो ना, तो जानबूझकर किया, हमें पता ही नहीं था, हम उनके साथ में मिल रहे थे। कल शाम को सोनिया गांधी जी के पास गए, केजरीवाल के पास गए थे, आदरणीय उपराष्ट्रपति के घर पे भी गए थे। तो हम पूरे दिन कल रात को वो वापस गए 9:30 बजे, तब तक हम उनके साथ में थे। फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसी बात की। अब तो आखिर जेपीसी आई ना, हमने तो वही कहा था क्यों लड़ाई कर रहे हो, जेपीसी की बात करो, मैंने ऐसे बोला था उनको। फिर भी जानबूझकर डिबेट किया क्योंकि बताना चाहते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के। देखो, हम हिंदुओं के लिए हम है ना, अपीजमेंट ऑफ नन और कॉन्स्टिट्यूशन इज वन, ये विचारधारा वाले लोग हैं। तो अपीजमेंट ऑफ नन करके जो गलतियां वहां हैं वो भी सुधारने के बाद में हमारी बात करें, डरेंगे नहीं। ये मत समझो कि वहां कुछ गलतियां नहीं है, मुसलमान भी सभी खुश है, बस समझना ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है कुछ लोगों ने लेकर बेची भी है, तो वो वक्फ बोर्ड के वक्त क्या है, समर्पित करना है ना भगवान के लिए, अल्लाह के लिए समर्पित की हुई जमीन है। उस जमीन का कोई गलत इस्तेमाल करता है और कानूनन उसको सुधारने की बात आती है तो स्वागत करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इंटेंशन, इनका हेतु दिल साफ नहीं है भैया, चुनाव को देकर इनकी नीति आती है। फिर जेपीसी में क्यों भेजा? फिर बिल पास ही कर लेते, बिल डिस्कशन करते, जेपीसी में क्यों लेके गए फिर? तो इतना ही पता नहीं चुनाव के लिए। देखो, हिंदू हम खड़े हैं, हिंदुओं को बताते हैं ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी डट के खड़ी रहेगी, न्यायिक भूमिका लेकर संविधान के सर पे तक खड़ी रहेगी। ठीक है, जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।